बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जी हमारी यूट्यूब फैमिली? अल्लाह ताला आप लोग खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। मेरे हाथ में है जी काफ़ी सारी गाजरें और थोड़ी सारी पालक। ये पालक एक बार साहब ले आते होते हैं अपने मुर्गियों के लिए। मुर्गियाँ एक बार साहब की जी माशाल्लाह काफ़ी सेहतमंद हो रही हैं, लेकिन अंडे वंडे नहीं देती हैं। पंखा आपको नज़र आ रहा होगा, पंखा बाहर रखा हुआ है। असल में ये पंखा मैं रखती हूँ किचन में, गर्मियों में इस्तेमाल करती हूँ बाहर को हवा, तो तब का वहीं पड़ा हुआ था, तो सफाई करते वक्त बड़ी इरिटेशन होती थी। तो मैंने एक बार साहब से कहा कि इसको निकाल के जरा ऊपर वाले कमरे में रख दें, लेकिन अभी ऊपर वाले कमरे में नहीं जा रहा, अभी सिर्फ किचन से बाहर निकला है। आप देखिए ऊपर का अवसर है ना, अगली किस्त में अगली किस्त में देखिए अल्लाह को कब मंजूर है। मैं काफी दिनों से कह रही हूँ कि उठा दें बस, ये लाओ पालक मुर्गियों को डाल लेना पहले। पालक ले अपनी, पालक ले लें आप। पालक मुर्गियों को बड़ी पसंद होता है, हरा वैसे सारा ही मुर्गियों को पसंद होता है, लेकिन पालक कहते हैं कि इनके लिए फायदे वाली होती है। जब पालक खिलाई जाती है ना, तो मुर्गियां बड़ी जल्दी जो ना वो बड़ी बड़ी होती है। मैं कहाँ बैठू, आज थोड़ी सी निकली थी धूप हमारे एरिया में, मगर ये कि हमारे घर में धूप नहीं आती, इसलिए हमारे घर में सर्दी तो जूं की तू है, मगर रोशनी होने की वजह से ना आज मुझे डस्ट काफी जगहों पर नजर आ रही है, जो कि मैं आज साफ नहीं कर सकी क्योंकि बच्चे घर थे। तो कल अगर ऐसा मौसम हुआ तो इंशाल्लाह फिर मैं पूरे घर की बड़ी डीपली सफाई करूंगी इंशाल्लाह। मैं यहाँ बैठ जाऊँ क्योंकि नीचे नहीं बैठा जा रहा भाई, कल हम चटाई बिछा के बैठे थे, बड़ा मुश्किल है। ये बीड़ी दे दो शायद, जब ये ग्रीन वाली बीड़ी महक फातिमा के पेपर करीब आ गए हैं जी, इसलिए जरा आजकल महक फातिमा से मैं काम कम करवा रही हूँ, तो इसलिए जरा ना वीडियो हमारी लेट ही शुरू होती है आजकल। नाइन्थ में है महक फातिमा। महक पापा जी, जनाब थोड़ी हेल्प करनी पड़ेगी आपको, आग जला दें। सीढ़ियाँ छूट के मैं नीचे आ गई हूँ जी, क्योंकि वहाँ पे बड़ी ही ठंडी हवा आ रही है। धूप तो थोड़ी निकली हुई, लेकिन साथ जो हवा चल रही है ना, उसने धूप का भी असर खत्म कर दिया। गाजरे हैं तो ज्यादा, मैंने वैसे तुमको भेजे थे नानों के घर से ना, कद्दूकस लेके आओ, मगर अभी तक वो आया नहीं है, इसलिए फिर मुझे अकेले ही करनी पड़ रही है। इतनी देर क्यों लगाई है, ये जो कद्दू का शिकवार साहब इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये मेरे अब्बू के बचपन का कद्दू का है, ये देखा जरा बड़ा कदीम है, और ये खुद बनाया हुआ हमारे किसी बड़े बुजुर्ग ने। हम गजरेला बना रहे हैं जी, ये हमें उसी फैमिली की तरफ से आया है जिन्होंने कल हमें पिनिया भेजी थी, तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा दूध है। रात को मैंने बॉयल कर दिया था, तो मैंने कहा आज इसका ना गजरेला बना लेते हैं। माशाल्लाह इतनी मोटी मोटी ऊपर बलाई आई है, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखे ऐसे खोए की तरह जो ना बलाई है ऊपर, तो ये सारी मैं अंदर ही डाल रही हूँ उसके बड़े देखते हैं। हर्ष दूध की ये बात होती है, हम ना 2 महीने यहाँ किसी के घर से दूध लेते रहे, उन्होंने भी यही गारंटी दी थी कि हालिस दूध होगा जी, पानी का हम कसम देते हैं कभी कतरा नहीं डाला, लेकिन ये देखे हालिस दूध नजर आ रहा है। जैसे बलाई है ऊपर, जैसे पता चल रहा है कि जैसे खोया ही डाल दिया अंदर,
चलें जी, अल्लाह ताला दूध देने वालों के हाल पे रहम करे, हम यही कह सकते हैं जो अपना ईमान बढ़ा सकते हैं। अच्छा जी, दूध डाल दिया मैंने, दूध भी अभी ठंडा है और साथ साथ मैं डाल रही हूँ ठंडी ही गाजरें उठा के, और इसके साथ ही मैं डाल दूंगी जी चावल भी। साथ ही साथ मैं चावल भी शामिल कर रही हूँ जी, ये मैंने पहले भी धो के रख दिए थे साफ करके। सारी चीजें चूंकि अभी ठंडी हैं, ये थोड़ी सी उबलने में टाइम लेंगी, तो उतनी देर में मैं जल्दी जल्दी से असर की नमाज पढ़ के आ जाऊंगी। इकबाल साहब भी नमाज पढ़ने गए हुए हैं, तो इन्होंने अभी काफी टाइम लेना है, इसलिए मैंने कहा इतना टाइम मुझे मिल जाएगा कि मैं नमाज पढ़ लूंगी। रात को आए थे जी मेहमान, तो वो लेके आए माल्टे, तो माल्टे हम लोगों ने सर्दियों में बहुत कम खाए हैं क्योंकि इतनी सर्दी है और आपको पता है कि शहजेब को बड़ी जल्दी ठंड लग जाती है, तो शहजेब से मैंने छुपा के रखे हुए थे, लेकिन मुझे पता चला कि वो ना ले गया इसमें से एक दो माल्टे, इसलिए मैंने कहा कि इनका मैं ना काम जो है ना वो खत्म करती हूँ ताकि मुझे ये डर ना रहे कि शहजेब खा लेगा। आज के व्लॉग में हम लोग दीद लाई चीजों पे गुजारा कर रहे हैं, माल्टे भी हमें कहीं से आए हैं और दूध भी हमें कहीं से आया था। नहीं वो तो ठीक है, मैं ऐसे तो नहीं ना, गाजरों तो मैं खुद लाया, गाजरे की बात चीनी भी खुद लाया लेकिन दूध ना होता तो गाजरें भी नहीं थी आनी, ये तो बात है वो चले अल्लाह ताला, क्योंकि हम काफी दिनों से सोच रहे थे गजरेला बनाने का, एक तो ठंड की वजह से भाई गाजरें कश करनी बड़ी मुश्किल है, दूसरे नंबर पे अच्छा दूध नहीं मिलता दुकानों से, इसलिए हम सोच ही नहीं रहे थे, तो अल्लाह उनका भला करे, हमारे जिम में आया अल्लाह उनका भला करे जिन्होंने हमें दूध भेजा, दूध ना आता तो गजरे भी नहीं आते, तो मैं इनको धो लेती हूँ, तो इनका मैं निकालने लगी जी जूस, आज हम अपनी मशीन का भी इफ्तिताह कर लेंगे और इनका काम भी तमाम करेंगे, वरना शहजेब साहब ने अपने आप को ठंड लगवा देनी है। ये लकड़ी ऐसे रहने दे, फिर आग सही जलती रहेगी, फूकने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर लकड़ियां सेट होंगी तो, चमचा भी साथ साथ चलाना है, आप खतरनाक मोड़ पे गजरेला आ गया जी, किन्नी मुझे आपसे डर के तो मैं इनको गिले लगा रही हूँ, तो आप उसे आती है डायरेक्ट ही है ना, नहीं एक नहीं मिला, नहीं ना मुझे पता चला आप दो माल्टे खा चुके हो पहले, एक ना नहीं आप गजरेला बना के दे रहे ना, ये मेरे हो गए, मैं और तेरे पापा खाएंगे, बता दी डाले ना फिर मैं चेक कर लूँ। अच्छा आप निकालोगे, चलो हाथ धोए, अभी ऐसे उंडे लो, यहाँ से निकलेगा साइड पे करो ना, उसके साइड पे करो ऐसे, आप इसमें डालते हैं जी निकाल लिया ना सब्ज़ इलायची, कितनी पांच इलायची डाल, पांच से ज्यादा ही डाल दें, छोटी छोटी है, चलो
चलो 8-9 इलायचियां डाल दी जी, सब्ज इलायची। सारे बच्चे कह रहे मामा एक माल्टे का मैंने निकालना, और दो हमारी कैमरा मैन भी कह रही मामा एक मैं निकालूंगी। तो आपने तो निकाल लिया ना, आपकी बारी खत्म हो गया। नहीं फिर आपको हो गया, मैंने पीना भी है, मैंने निकाला तो मैंने पीना भी है। नहीं छोटो ये देखो इसका काम वो यार ना कर। छिलके उठा उठा के खा रहा, छिलकों के अंदर वो जो लगा हुआ ना जूस जिसका निकल चुका, उठाए इसको यहाँ से। ना बेटा नहीं, नहीं खाना, पता ना मैं बीमार हो जाते हो, फिर दवाइयाँ इंजेक्शन टीके लगाने पड़ जाएंगे। चलो जनाब मुझे करने दो, टाइम सामने, जब धूप निकलेगी ना फिर आपको देंगे माल्टे ला के। जूस हमारा बन गया जी, और इस वक्त हमारा कैमरा मैन अव्यास है, अदेव तो थोड़ी बड़ी गड़बड़ हो रही होगी। मैं फातिमा को और शहदेव को हमने भेजा ऊपर कपड़े उतारने के लिए, और इकबाल साहब के काम देखे, ये देखिए मैं आपको बताती हूँ। हांडी जो ऊपर ढकन है उसी को उलट के तो उसमें ना गरी घास कर रहे हैं। इकबाल साहब जब खाना खाते है ना किसी के घर जाए, अच्छा क्या करते हैं, सालन खाया एक कौली में, उसी में बाद में चावल डाल के खाते हैं, उसी में स्वीट भी खा लेते हैं, बर्तन है ज्यादा बर्तन नहीं भरते। वही काम आज भी किया है क्योंकि पेट तो एक ही है ना, सब चीजें पेट में जानी है, ठीक है। पहले आराम से चीज खा ली, सालन वगैरह खा के उसके बाद चावल डाल के खा लो, उसके बाद उसमें मीठा डाल के खा लो। वही काम आपने यहाँ पे भी किया, कोई अभी प्लेट नहीं थी, बंदा गंदा नहीं लगता। नहीं नहीं कोई चले जी, खाने वाली चीज है ना, तो कोई एक बार सब आके गए क्योंकि मैं एक बार मेरे कपड़े उठा लिए थे ज्यादा, तो सीढ़ियों पे कहती पापा जी मैं गिरने लगी। अभी तीसरा दिन है कपड़े अभी तक नहीं सूखे, अभी भी नहीं सूखे, अभी भी नहीं सूखे। ओए तो ये क्या बनेगा, असल में हवा इतनी ठंडी थी ना, तो वो हवा से ठंड ही हो रही है बाहर। चलो कोई नहीं, चलो कोई नहीं, कल के दिन रात को सोफे पे फैला दो ना कुछ ना कुछ, चलो हो जाएगा, कुछ को प्रेस कर लो। मैं कभी है कपड़े और अभी और है ऊपर कह रही है, जा भाई हमारा जी तकरीबन तैयार हो गया, और यहाँ पे जो इकबाल साहब ने वो खोपरा कश किया और साथ कुछ बादाम है उनको भी कूट के रखा हुआ, अभी हम इसमें ये शामिल कर देते। वाह माशाल्लाह मेरा बेटा तो यूट्यूबर बन गया ना, बड़ी अच्छी रिकॉर्डिंग कर रहा है मेरा बेटा। खीर हो या गजरेला जब एंड भी आता है ना, तो जो इसमें जब बुलबुले निकलते हैं ना वो बड़े खतरनाक होते हैं। बाजू जला दिए इसने मेरा, तो अल्हम्दुलिल्लाह जी गजरेला हमारा तकरीबन तैयार होने वाला है आज। हमारा बस हंसते खेलते बातों बातों में माशाल्लाह गजरेला बन गया। आज हमारे कर साहब नहीं थे, तो इसलिए इकबाल साहब ने बात करवानी थी, वो फिर जल्दी चले गए हैं और अभी तक आए भी नहीं है। वरना इकबाल साहब फर्ज नमाज जो है वो मस्जिद में पढ़ते हैं और बाकी की नमाज घर पढ़ते होते हैं ज्यादातर, तो इसलिए आज मैं भी उठ भी नहीं पा रही थी, मेरी नमाज थोड़ी सी लेट हो रही है। मगर ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा गजरेला जी पक चुका है, तो इसको हम नीचे उतार लेते हैं। थोड़ा सा मुझे लग तो अभी पतला ही रहा है, लेकिन अभी ये कि मैं मजीद इसको टाइम नहीं दे सकती। अच्छा जब भी कभी कोई चीज़ बनती है ना इस तरह की हमारे घर में, तो कोई खास चीज़ तो बच्चे फौरन कहेंगे मामा जी डाल दे नानो घर दे हूँ। तो अभी मैं फातिमा ने प्लेट डाल निकाल के रख दी है कि नानो घर के लिए डाल दें, तो अभी हम सबसे पहले जी नानो घर भेज देते हैं। तो हम तो ज़्यादातर वैसे सुबह ही खाते होते हैं। ठीक है जी, फिर इसके साथ ही इजाजत है, दुआ में याद रखिएगा, अपना भी रखिएगा जी, बहुत सारा ख्याल। मिलेंगे इंशाल्लाह कल किसी और अच्छे से व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज। कोयले बड़े अच्छे बने हुए हैं।
मैं तेरे पापा आते हैं ना तो उनसे कहना कि अंदर रख ले, तुमने बड़ी सर्दी है।